हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल सी टी टी एंड टी टी प्रिपरेशन में। प्रखंड में जो टोला सेवक और तालीमी मरकज की बहाली होने वाली है उससे संबंधित एक बहुत बड़ी अपडेट आज आपके न्यूज़पेपर में आई है। आज 6 मार्च 2019 है। प्रखंड में टोला सेवक तालीमी मरकज बहाली का चल रहा रैकेट, रिक्ति तैयार नहीं और बहाली की प्रक्रिया शुरू। जिस तालीमी मरकज शिक्षण सेवी और टोला सेवक की बहाली की रिक्ति तक जिले में नहीं बनी है उसकी बहाली की प्रक्रिया प्रखंडों में शुरू कर दी गई। कमाल यह है कि शिक्षा विभाग अब तक बहाली संबंधित प्रस्ताव पर ही काम कर रहा है। उधर इस बहाली से संबंधित आवेदन का सोशल साइट से लेकर प्रखंड में दौड़ रहे हैं। जिला साक्षरता कार्यालय में इससे संबंधित आवेदन आने के बाद टोला सेवक और तालीमी मरकज शिक्षण सेवी की बहाली का के नाम पर चल रहे बड़े रैकेट का खुलासा हुआ है। सोशल साइट से लेकर प्रखंड में टोला सेवक और तालीमी मरकज की बहाली से संबंधित आवेदन लेने और बहाली के नाम पर सक्रिय रैकेट का खुलासा DPO माध्यमिक की रिपोर्ट से हुआ। इसका खुलासा होने से हड़कंप मच गया। एक महीने पहले सरकार ने जिले में रिक्ति के आधार पर तालीमी मरकज शिक्षण सेवी और टोला सेवक बहाली का निर्देश दिया था। इसके बाद DPO माध्यमिक ने सभी प्रखंडों से रिक्ति मांगी थी। इन पदों पर बहाली के लिए अब तक सभी प्रखंडों ने रिक्ति भी नहीं भेजी है, मगर हर दिन दर्जनों अभ्यर्थी आवेदन भरकर जिले में पहुंच रहे हैं, जबकि अब तक बहाली से संबंधित प्रक्रिया शुरू भी नहीं हुई है। DPO माध्यमिक बोली, रैकेट के झांसे में ना आए अभ्यर्थी। DPO माध्यमिक शर्मिला राय ने बताया कि अब तक 10 प्रखंडों की ही रिक्ति आई है। सभी रिक्ति आने के बाद DM अनुमोदन करेंगे, इसके बाद ही बहाली की प्रक्रिया शुरू होगी। अभ्यर्थी बहाली से संबंधित जो आवेदन भरकर ला रहे हैं वह विभाग की ओर से नहीं निकाला गया है। खंडों के रिपोर्ट मिली है कि 500 से 1000 रुपये तक के आवेदन बेचे जा रहे हैं। बहाली के नाम पर उगाही भी की जा रही है। DPO ने कहा, बहाली संबंधित आवेदन और सभी प्रक्रिया जिले से की जाएगी, ऐसे में अभ्यर्थी झांसे में ना आए। वीडियो पसंद आए, वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और इसी तरह के अपडेट आपको हर रोज़ इस चैनल पर मिलते रहेंगे। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।